पंजाब की कांग्रेसी सियासत दिलचस्प दौर में पहुंच गई है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में हैं, जहां उनकी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन उधर सीएम चन्नी काफिले के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंच गए। ताजा घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। पार्टी में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे सिद्धू के लिए ये मुलाकात खतरे की घंटी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की ये कैप्टन से पहली मुलाकात होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम और बेटे की शादी से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन अचानक इस मुलाकात ने पंजाब की सियासत को और गर्मा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। एक ओर जहां नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान के सामने पेश होंगे, तो वहीं उससे ठीक पहले चन्नी और कैप्टन की मुलाकात की खबरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार हाईकमान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पार्टी में सिद्धू के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी हो सकता है। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निजी हमला बोला, लेकिन वे चन्नी की कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। कैप्टन ने चन्नी को बेहतरीन और पढ़ा लिखा मंत्री बताया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि चन्नी को गृह मामलों की समझ कम है। चन्नी सरकार ने इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का डीजीपी का कार्यभार सौंपा। वरिष्ठ वकील एपीएस देओल को महाधिवक्ता बनाया। सिद्धू इन दोनों फैसलों से बेहद खफा थे। यही वजह है कि उन्होंने अचानक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हाईकमान को भी सौंप दिया था। अभी तक सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया है और न ही हाईकमान ने कोई फैसला किया। इस बीच सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर चन्नी सरकार को घेरा। उसके बाद सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दोनों के बीच की दूरी काफी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पंजाब समेत 3 राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इजाफा किया। इसके बाद से प्रदेश में सियासत और तेज हो गई। पंजाब सरकार ने जहां एक ओर इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल बताया, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसले की तारीफ की। पंजाब में पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को कार्रवाई की अनुमति थी, लेकिन अब यह दायरा 50 किलोमीटर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।